गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी को राय भोए की तलवंडी जिला शेखूपुरा में होया सी। इस जगह नूं अजकल ननकाणा साहिब भी कहा जाता है। ननकाणा साहिब पाकिस्तान में है ते ए जगह दुनिया भर में प्रसिद्ध ते पवित्र मनी जाने वाली जगह है। गुरु नानक देव जी के पिता जी का नाम मेहता कालू जी, माता जी का नाम तृप्ता देवी जी और वड्डी भैन का नाम नानकी जी सी। गुरु नानक देव जी के पिता जी पिंड के हकम राय बुलार को पटवारी सन। गुरु जी जदों 7 साल के हुए तो गुरु जी के पिता जी ने उन्होंने पिंड के पांधे गोपाल दास को गुरु जी ने हिसाब किताब और देवनागरी सीखने भेजना शुरू कर दिता। गुरु नानक साहब अक्सर अपने उस्ताद जी के नाल परमात्मा बारे डूंघिया विचार करते सन। एक दिन गुरु जी अपनी लिखने वाली फट्टी अपने अगे रख के बिल्कुल चुप तो शांत बैठे सन। गुरु जी ने इस तरह बैठे देख के पांधे ने पूछा, नानक तू अपना पाठ क्यों नहीं याद करता? गुरु जी ने पांधे ने उत्तर दिता, पांधा जी ये पाठ ये नहीं दसदा कि इस दुनिया के बंधना तो छुटकारा किवें पाया जा सकता है। गुरु नानक देव जी की यह गल सुन के पांधा जी मुस्कुरा पे ते कहन लगे, नानक मैं तो गिनती मिनती वाली ही पढ़ाई सीखी है ते हाले तक यही सिखाउंदा आ रहा। जे तैनू दुनिया के बंधना तो छुटकारा पाउण वाली पढ़ाई आउंदी है तां मैनू दस। गुरु नानक देव जी ने पांधे की गल का उत्तर दिता, पांधा जी इस कलम ते स्याही नाल फट्टी उत्ते पढ़ना लिखना संसारिक किरिया है। बंधना विच फसे हुए जीव के मन विच विकार पैदा होंदे हन। सच्ची पढ़ाई लिखाई नाल इस दुनिया के बंधन तो मोह टुटदा है ते मन विकारां तो छुटदा है। मन के निर्मल होण उपरंत इस विच शुभ विचार उपजदे हन। ओ सच्ची पढ़ाई इस दुनिया नूं पैदा करन वाले अते इस दी देखभाल करन वाले दी उस्तत वल प्रेरदी है। उस दे गुण गाउण नाल तन मन सुखी हुंदा है अते मन विच्चों जन्म मरण दा डर सदा लई खत्म हो जांदा है। पांधे ने कहा, नानक जो कुछ मैनू आउंदा सी मैं तैनू दस दिता, यह सच्ची पढ़ाई मैनू नहीं आउंदी, मैं ये नहीं पढ़ा सकता। इस तरह समा बीतता गया। गुरु जी हुण 13 साल दे हो गए सन। उन्होंने पिता ने उन्होंने फारसी सीखने लई मौलवी कुतुबुद्दीन पास भेजना आरंभ किया। एक दिन गुरु नानक देव जी ने मौलवी ने पूछा, इन्हां अलफ बेहाद अखरां दे की अर्थ हन? मौलवी पासों इस तरह का सवाल पहला कदे भी किसी ने पूछा नहीं सी। उसनू कोई भी उत्तर नहीं सुझा तो उसने कहा, नानक तू ही दस इन्हां दे की अर्थ हन। गुरु साहिब ने मौलवी नू अलफ तो ये तक दे सारे अखरां दे अर्थ परमात्मा दी उस्तत विच सुना दित्ते। गुरु नानक देव जी पासों अखरां दे अर्थ सुन के मौलवी ने समझ लिया, जे विचार किया जाए तो यह दुनियावी पढ़ाई परमात्मा दीआं सिफतां हन, सिफतां दा विचारना ही सच्ची पढ़ाई है। गुरु नानक साहिब दे मुढ़ले जीवन तो असीं समझिया कि गुरु साहिब जिथे दुनियावी पढ़ाई ते जोर दिंदे सन उत्थे ही अध्यात्मिक पढ़ाई नूं भी पूरा समां दिंदे सन। जे असीं वी अज चंगे समाज की सिरजना करना चाहते हाँ तो सानू भी अपने बच्चों जिथे उच्च चोटी की संसारिक पढ़ाई करवानी है उस दे नाल नाल आप अते अपने परिवार को गुरुआं दे इतिहास नाल जोड़ के रखना पवेगा ताकि असी समझ सकी कि गुरु जी अनुसार जीवन जुगत की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।